हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लुसेंट सब्जेक्टिव का पेज नंबर 98 से 101। तो अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हर वीडियो के नीचे आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करिए, और मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास हमारी एप्लीकेशंस पे रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, डेली चल रहा है। वॉल्यूम वन हमने जो कि जनवरी मंथ में कंप्लीट कर दिया, अब फरवरी मंथ में वॉल्यूम टू स्टार्ट होगा। डेली बेसिस पे मैथ्स और रीजनिंग की वहाँ पे क्लास चल रही है। ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाता है और उसके साथ वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यार लेट मत करो, ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हो। जस्ट 149 के साथ आपको ये बैच दिया गया है जिसमें आपको डेली बेसिस पे मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलती है, यानी 1 पेमेंट के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पर जाकर के इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है कितना प्रतिशत भाग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.7%। ठीक है, उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनकी जो ऊंचाई की बात करें तो 3135 मीटर है समतल से, यानी कि समुद्र तल से, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, भूभाग पर विस्तृत मैदान का जो विस्तार है वो 43%। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 43%। अगला क्वेश्चन, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया, भारत को कितने भागों में बांटा गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि 5 भागों में बांटा गया, जैसे उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और एक होता है समुद्र तटीय मैदान, यानी 5 भागों में बांटा गया, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अच्छे तरीके से पढ़िए दोनों पॉइंट्स को और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट से कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक जो सिद्धांत हैं प्लेट विवर्तनिक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल की तरफ है और जो तिब्बत की पठार की ओर अवतल हो गई है, यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को, दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सभी के सभी आता है, डी को टिक करेंगे। और आपको पता ही जो K2 है, कॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 11 मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है, और ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जानते हैं, कोंकड़, कोंकड़ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, यह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी क्या होता है, कवारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच के बने भूभाग को क्या नाम दिया गया, दो नदियों के बीच बने भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, इसे दुहाब के नाम से जाना जाता है, बी करेक्ट होगा, दुहाब। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, अगर आप हमारे नोट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हिमालय के श्रेणियों से संबंधित सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ग्राफ के थ्रू समझाया गया। तो जो लोग पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं फुल कोर्स में, आप वहाँ पे जाकर के हमारा हिमालय का जो प्रादेशीय विस्तार है आप उसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जो बाहरी श्रृंखला है उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक स्थलीय भाग 3 ओर समुद्र से घिरा है उसे किस नाम जानते हैं, जैसे प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का आपने जो देखा है नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी, तो इसी को हम लोग पेनिनसुला कहते हैं या फिर इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानता है, प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, किस पर स्थित है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है बैरन द्वीप पर, बैरन द्वीप पर, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्याचल पर्वत के संबंध में कौन सा कथन सही है,
विंध्याचल पर्वत के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि बैकग्राउंड को लेकर के, देखिए रात की जो वीडियो आएगी, यानी जो अभी वीडियो आप लोगों को अपलोड किया गया, इस वीडियो की टाइमिंग क्या है, रात को 7 से 8 बजे के बीच अपलोड होता है, तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली रात में देखेंगे, ज़्यादातर लोग रात में देखेंगे, तो इसलिए इसका बैकग्राउंड हमने जो कि ब्लैक कर दिया ताकि आपको रात में प्रॉब्लम ना हो, और जो मॉर्निंग में वीडियो आती है उसका हम लोग बैकग्राउंड वाइट ही रखेंगे, क्योंकि दिन की बात होती है तो दिन में आपको डे की माहौल में होना चाहिए, तो वाइट बैकग्राउंड हम लोग रखते हैं, तो इसलिए अब इसमें कमेंट मत किया करिए। विंध्याचल पर्वत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला पॉइंट्स, विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है, बिल्कुल सही। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है, ये भी सही है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भाग को दक्षिण भाग से अलग करता है, उत्तर भाग को दक्षिण भाग से अलग करता है, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित घाटी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग दून के नाम से जानते हैं, दून करेक्ट होगा, दून या फिर इसको द्वार भी कहते हैं, दून या फिर द्वार, ठीक है, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, ये शिवालिक के निचले भाग की तराई में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, सतलज और सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, राइट आंसर बन जाएगा पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पंजाब हिमालय। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय जो होता है ये आपका काली और तीस्ता नदियों के मध्य पड़ता है, और नेपाल हिमालय में आपका एवरेस्ट पड़ता है, सबसे ऊंची चोटी आपका ये, ध्यान रखेंगे। और असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय आता है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच, ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भारत के किस जगह पर स्थित है, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप का संबंध हो जाता है लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है, 36 द्वीप है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 द्वीपों पर ही मानव का आवास मौजूद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बरकान जो स्थलाकृति है इसका संबंध किससे, बरकान स्थलाकृति का संबंध किससे, बरकान स्थलाकृति का संबंध हो जाता है मरुस्थल से, करेक्ट आंसर ऑप्शन ई मरुस्थल से। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब किया गया था, लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब किया गया था, तो इसका नाम 1973 में रखा गया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन से ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो पॉइंट्स दिया गया, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को पढ़िए। पहला पॉइंट कि छोटा नागपुर स्थित राज्य का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, संप्राय मैदान का उदाहरण है, बिल्कुल सही। छोटा नागपुर पठार का सब जो कि इसे क्या कहते हैं, भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर क्यों कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा खनिज भंडारण की दृष्टि से जो कि ये काफ़ी संपन्न माना जाता है, भारत का संपन्न माना जाता है, इसलिए भारत का रूर कहा जाता है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो सी विल बी राइट आंसर, एक और दो करेक्ट होगा। सतपुड़ा पहाड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सारे क्वेश्चन सोल्यूशन सब्जेक्टिव से लाइन बाय लाइन पढ़ करके बनाया जाता है, तो ऐसा ना आप सोचे कि कहीं कहीं से कॉपी किया जाता है, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक से लिया था, जो आपका सब्जेक्टिव में पढ़ने के बाद आपको जो वहाँ पे क्वेश्चन मिलता है वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर आप सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और डेली आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आइए, तभी हमारे द्वारा ये डाली गई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्या कह रहा है पहला पॉइंट्स, यह पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जो कि ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है, बिल्कुल सही। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ होता है जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है, ये भी सही। इस पर्वत के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ताप्ती नदी निकलती है, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह किस स्थान पर है या फिर किस नदी पर बना हुआ है। माजुली जो कि असम के जोरहट जिले में पड़ता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सी विल बी करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई जो भी फ्यूचर में वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है, उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है, तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला पॉइंट्स, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे कौन सा बंदरगाह सुरक्षित है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो आपका डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, ये ध्यान रखिएगा।
और विशाखापट्टनम किस तरह का बंदरगाह है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है उनमें से एक है। साथ ही साथ पूर्वी जो तट है उस पर मौजूद अन्य बंदरगाह कौन कौन से, तो उनके नामों को मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जैसे पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, उड़ीसा में, कोलकाता तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो गया, चेन्नई तुतिकोरिन एवं एनोर, ये तीनों के तीनों आपका पड़ता है तमिलनाडु में, तो इन तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, मेघालय का पठार स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, क्या होगा राइट आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गारो, खासी और जयंतिया, सही आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अच्छा, ऊपर में आपने एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक ये आप देख रहे हैं पुलिकट बंदरगाह, तो पुलिकट बंदरगाह आपने पढ़ा होगा कि पूर्वी तट पर यह भी स्थित है, लेकिन ये आपका लैंगून कह सकते हैं, लैंगून है, जैसे पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैंगून कौन कौन से, पुलिकट हो गया, चिलिका हो गया और कोलेरू हो गया, ये तीनों। पुलिकट जो पड़ता है आपका चेन्नई और यानी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ये दोनों में आता है। चिलिका हो जाता है उड़ीसा के अंतर्गत आता है और कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है सिक्किम में, सिक्किम, सी विल बी राइट आंसर, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का प्रभाव है वो यही मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन बी। डक्कन का पठार किस आकार का भूभाग है? डक्कन का पठार, तो ध्यान रखेंगे डक्कन का पठार का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे भावर के नाम से जाना जाता है, सी विल बी राइट आंसर, भावर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला कहाँ पे पड़ता है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ये ध्यान रखिएगा। मार्मा गोवा कहाँ पे? मार्मा गोवा का संबंध गोवा से, नाम से क्लियर होगा गोवा। साथ ही साथ मंगलुरु का संबंध, जैसे बेंगलुरु होता है उसी तरह मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, और नहावासोबा जो है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो चारों के चारों जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बंदरगाह, ये सभी के सभी पश्चिमी तट पर मौजूद है। तो सही आंसर क्या होगा? सभी होगा, एक्चुअली यहाँ पे एक और होना चाहिए था, फोर, तो सभी के सभी एक दो तीन चार करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? प्रवाल उत्पत्ति से। ऊपर में इस क्वेश्चन के बारे में वो डिस्कस किया था। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति से, प्रवाल ध्यान रखेंगे। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन और नारकुंडम। सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत बैरन आता है, याद रखिए। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में, सी को टिक करेंगे, बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, यानी द्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल 36 द्वीप हैं, टोटल 36 द्वीप हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? जैसे स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अब वर्तमान में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को, सियाचिन ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है, इसके बारे में आपको बहुत बार बताया अच्छे तरीके से, ट्रिक हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड है, वीडियो भी इस चैनल पे अपलोडेड है, साथ ही साथ जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा उस नोट्स पे मैंने आपको 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो जो लोग पेड कोर्सेज में जुड़े आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो पहला यहाँ पे देखिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय को जोड़ता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य स्थित है, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये पूछे जाने की चांसेस रहता है और कई बार पूछा गया है, तो इनको 100% आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास जो है वो किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये पड़ता है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के मध्य, सी करेक्ट है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है
वो सैंडल पीक है। लेकिन इतना ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा कि सैंडल पीक कहाँ पे पड़ता है, लोकेशन क्या है, किस अंडमान में पड़ता है। तो उत्तरी अंडमान में पड़ता है, 730 मीटर इसका हाइट होता है, 730 मीटर ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है, 730 मीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार की, तो वो आपको याद रखना है मध्य अंडमान में स्थित है माउंट डियो वाली, माउंट डियो वाली दूसरी सबसे ऊंची चोटी मध्य अंडमान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है कि निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी से नहीं है, मैकाल श्रेणी से नहीं है, क्या बनेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हम कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने डेस्क देखा था कि यमुना की सहायक नदी के कैसे याद रखते हैं, बाबू कहाँ से आ रहे हो, तो यमुना में बेच के, यमुना में बेच के आ रहे हैं, बेच के, ठीक है। इस तरह से ये तीनों हैं, लेकिन रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन क्या, निम्नांकित में से जो अमरकंटक से निकलती है वह कौन सा है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमरकंटक से मेनली हम लोग दो नदियों को देखते हैं, अमरकंटक से पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी निकलता है, ठीक है, और उत्तर की तरफ सोन नदी निकलता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सोन, ठीक है, सोन ऑप्शन डी करेक्ट है। सिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है, सिप्रा, अगर हम बात करें कि सिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर जिले की काकरी जो बर्डी नामक पहाड़ी है वहाँ से निकलता है, और ये जाकर के चंबल मिलते हैं, यानी कि चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे ही अवस्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है, लूनी, लूनी नदी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, लूनी नदी यहाँ से निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है, नहीं निकलती है, तो गोदावरी नहीं निकलता है, क्योंकि गोदावरी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक जिले, यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम गाँव से, एक पहाड़ी से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है, और इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ उनमें हम लोग याद रखेंगे पेनगंगा, इंद्रावती, पर्णहिता, मंजीरा, वेनगंगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। एक और याद रखिएगा वर्धा, वर्धा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है वर्धा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, दामोदर, दामोदर को हम लोग बंगाल के सोख के रूप में जानते हैं, ये हुगली की सहायक नदी है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है कि हगरी सहायक नदी है किसकी, बताइए हगरी किसकी सहायक नदी है, तो हगरी जो है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है, और ध्यान रखिएगा जो तुंगभद्रा है वो खुद एक सहायक नदी है किसकी, कृष्णा की, ये आपको याद रखना है, कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और अगर हम तुंगभद्रा की बात करें कि इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप याद रखेंगे हिंद होता है, कुमुदवती होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कुमुदवती और एक और मैंने आपको क्या बताया, हिंद। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है किशनगंगा, तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, झेलम की सहायक नदी बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर के गुजरती है, और उस नदी को हम लोग नर्मदा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तवा किसकी सहायक नदी है, तवा किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, तवा का संबंध हो जाता है नर्मदा नदी से, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है, सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, ये होता है सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील सी राइट आंसर है। प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी, गोदावरी करेक्ट आंसर, इंद्रावती, पर्णहिता, पेनगंगा, तो ये हम लोगों ने देखा था सब इसी की सहायक नदी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया, वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो जस्ट हमने डिस्कशन किया कि गोदावरी की सहायक नदी है, ये करेक्ट होगा।
गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? गोदावरी तीन राज्यों से होकर के बहती है, कौन कौन? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी को टिक करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अरुण नदी के नाम से जानी जाती है कोसी। कोसी को बिहार के सूख के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा के सूख के रूप में जानते हैं? ऊपर हम लोगों ने दो नदियों को देखा सूख के नदी के रूप में, जैसे बंगाल का सूख दामोदर हो गया, बिहार का सूख कोसी हो गया, उड़ीसा के सूख के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? महानदी को। महानदी ऑप्शन ई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने 55 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बना था कवर किया, और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो कल का होमवर्क जो हम दे रहे हैं उसे आप याद रखिएगा कि क्या पढ़ के आना है, 101 से लेकर के 105 तक। ठीक है, पेज नंबर 101 से लेकर के 105 तक आप कवर करके आइए और फिर यहाँ पर टेस्ट लगाइए, तब देखिए कितना मज़ा आता है। तो बस आशा करते हैं वीडियो को आप लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कम से कम तो 5 दोस्तों के पास शेयर क्या करें, और ग्रुप हो तो आपके पास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे।